हमारी भारत की जो इस समय दुनिया में जो स्थान है जो जगह है और जहां हम पहुंच रहे हैं जहां हम पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं सॉफ्ट पावर से हार्ड गेन्स संभव है मुझे लगता है गेन के बारे में क्यों सोचते हो मैंने एक शब्द अपने पिछले उत्तर में कहा खेलोगे तो खेलोगे आपको तो अपना कर्तव्य निभाना है कर्म करने बाकी फल की चिंता नहीं करनी है और आज का भारत अपने कर्म कर रहा है फल अपने आप मिल रहे हैं कहाँ दसवीं लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी आज दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनकर खड़े हो गए हैं और जब मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड सो so, हमें अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं करनी चाहिए इसलिए मैं कई बार खिलाड़ियों से भी कहता हूँ कि आपको अपना जो पार्ट है वो प्ले करना है मुझे अपना करना है एक समय था जब खिलाड़ी को लगता था कि परिवार में अगर कोई रिक्शा चलाने वाला है लो पिता कोई चाय बेचने वाला है कोई सब्जी बेचने वाला है तो उसका बच्चा यहाँ तक कैसे पहुँचेगा आज मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ आज खेलो इंडिया अभियान के बाद टॉप स्कीम के बाद टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है और जो एलिट एथलीट है उसको छः लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से देती है खेलने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए और इसी तरह से जो डेवलपमेंट एथलीट है उसको तीन लाख जेब खर्च अलग से देती है और बाकी सारा बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग देश और विदेश का सारा खर्चा भारत सरकार करती है फिर आता है खेलो इंडिया एकडिटेड अकेडमी मान लीजिए पुलेला गोपीचंद की अकेडमी चलती है वहाँ पे किसी खिलाड़ी को जाकर सिलेक्शन होकर ट्रायल दिया खेले तो उनको पाँच लाख रुपया बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग के लिए और एक लाख बीस हज़ार रुपया जेब खर्च के लिए अलग से मिलता है ऐसे तीन हज़ार खिलाड़ियों को प्राइवेट अकेडमीज़ में भारत सरकार फंड कर रही है ताकि पूर्व खिलाड़ी उनको अच्छी ट्रेनिंग दे सकें और भारत के लिए खेल सकें लगभग तेईस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिए हैं सिक्सटी नाइन साइट ट्रेनिंग सेंटर हैं और आज़ादी के जब हम पचहत्तर वर्ष मना रहे थे साल पहले तो मैंने कहा था साढ़े सात सौ हम खेलो इंडिया सेंटर बनाएंगे आज मैं इस मंच पे कह रहा हूँ साढ़े सात सौ नहीं सात सौ पचास नहीं एक हज़ार पचहत्तर एक हज़ार पचहत्तर वन थाउजेंड सेवेंटी फाइव हमने पूरे कर दिए सो दैट इज द स्पीड साइज एंड स्केल एट विच वी आर वर्किंग टूडे अभी बहुत आगे जाना है राज्य की सरकारें भी अगर क्योंकि स्पोर्ट्स इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट अगर राज्य की सरकारें थोड़ी मदद करेंगी थोड़ा और अच्छा करेंगी तो भारत जैसे देश में 36 स्टेट्स और यूनियन टेरी यूनियन टेरिटरीज में से अगर 20 भी अच्छा कर लें तो मैं कह सकता हूं जो लक्ष्य मैंने 2036 के लिए रखा है कि इंडिया दुनिया की पहली 10 मेडल विनिंग कंट्रीज में से एक हो और दो तक हम दुनिया के पहले पांच देशों में हो जो मेडल जीतने वालों में हैं